बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। और फिर अजीब बात यह है कि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी इबादतें नाजिल की हैं, ये भी खैर और शर का इम्तिहान है। कहीं नमाज का हुक्म दे दिया, कहीं रोजे का हुक्म दे दिया, कहीं ज़कात का हुक्म दे दिया, कहीं हज का हुक्म दे दिया। ये जितनी इबादतें हमें नजर आती हैं, ये सारी की सारी जो इबादतें हैं, ये असल में वो खैर और शर का इम्तिहान है। अगर इंसान नमाज की तरफ बढ़ जाता है, नमाज में खड़ा हो जाता है, इसका मतलब ये अपने शर पर गालिब होकर अपने खैर की तरफ चला गया है। अगर रोजा रख लेता है, इसका मतलब ये खैर की तरफ बढ़ गया, शर को मगलूब कर दिया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हज की तरफ अगर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा व निमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये नारे लगाते हो जब हज की तरफ दौड़ता है, इसका मतलब है कि इसकी खैर उसके ऊपर गालिब आ गई है और इसका शर मगलूब हो गया है। तो गया कि खैर और शर की यह जंग खुद इबादतों के अंदर भी मौजूद, और हर इबादत से मकसूद यही है कि शर को दबा के खैर को गालिब करे। चुनांचे नमाज से भी यही मतलूब कि शर को दबा कर गैर खैर को गालिब करे, रोजे से भी ये मकसूद कि शर को दबा कर गैर खैर को गालिब करे, ज़कात से भी ये मकसूद कि शर को दबा कर खैर को गालिब करे, और हज से भी ये मकसूद कि शर को दबा के खैर को गालिब करे। और हर इबादत एक शर को मिटाती है, एक शर को मिटाती है। नमाज भी एक शर को मिटाता है, ज़कात भी एक शर को मिटाती है, रोजा भी एक शर को मिटाता है, और हज की इबादत भी एक शर को मिटाती है। चाहते ये हज का जमाना मुकम्मल हो गया, लोग हाजी हज करके वापस लौट रहे हैं, अब वापस लौटे इस हज की इबादत में उन्होंने एक शर को मिटाया है, और वो शर क्या था? वो हिर्स, हिर्स था। क्योंकि इंसान के नफ्स का सबसे बड़ा जो मर्ज है वह हिर्स है। जिस दिन इंसान के अंदर से हिर्स निकल जाए और हिर्स कनात के अंदर बदल जाए, इसका मतलब है कि इंसान कामयाब हो गया। और हज की इबादत से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के नफ्स की हिर्स को मिटाया है।